देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं निकिता अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक की आयोजित की गई और उसके साथ साथ इस दौरान विधायक सत्याल के मामले में होने वाली कार्रवाई कमेटी ने टाल दी है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बंशीधर भगत ने बताया कि कोर कमेटी ने पार्टी के दो सांसदों अजय भट्ट और अजय टमटा को विधायक प्रत्याल से बातचीत करने की जिम्मेदारी दी है। उनसे बातचीत करने के बाद ही पार्टी फैसला लेगी। अब माना यह जा रहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी ऐसा कोई संकेत नहीं देना चाहती जो उसके अनुशासन को लेकर बनी छवि के लिए नुकसानदेह है। अब ऐसे में सांसदों से बातचीत के बाद प्रत्याल के मामले में कड़ा निर्णय होगा और इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो आपको बता दें कि प्रत्याल के मामले में होने वाली जो कार्रवाई थी फिलहाल उसको टाल दिया गया है। अजय टमटा और अजय भट्ट और अजय टमटा जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि अब वो प्रत्याल से बातचीत करें और जो कारण बताओ नोटिस पार्टी ने जारी किया था उसको लेकर फिलहाल कोई बड़ी कार्रवाई पार्टी यहाँ पर करते हुए दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि 2022 में विधानसभा चुनाव है और उसके मद्देनजर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है क्योंकि लोगों के सामने ये छवि नहीं बनाना चाहती है बीजेपी की कोई भी अनुशासनहीनता के खिलाफ या फिर कोई नेगेटिव थिंकिंग लोगों के मन में ना आए, इस वजह से कोई कार्रवाई अभी तक बीजेपी ने नहीं की है। बीजेपी कोर कमेटी ने यही फैसला लिया है कि फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं होगी। दो विधायक जिनको बातचीत की जिम्मेदारी दे दी गई है लेकिन फिलहाल पार्टी ने कारण बताओ नोटिस तो जारी कर दिया लेकिन कार्रवाई करने में फिलहाल मौन दिखाई दी है यहाँ पर। तो बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई और बैठक में अजय भट्ट और अजय टमटा दो विधायकों को प्रत्याल के पूरे मामले को लेकर बातचीत की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि प्रत्याल पर पार्टी विरोधी गतिविधियां करने का आरोप लगाया गया था और कुछ ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आई थी जिसको लेकर प्रत्याल पर गंभीर मामले भी दर्ज किए गए थे। हालांकि पार्टी विरोधी जो भी गतिविधियां हुई हैं उसको फिलहाल नजरअंदाज किया है, वो इसलिए क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कारण बताओ नोटिस तो जारी कर दिया गया लेकिन कारण बताओ नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और जब कार्रवाई करने की बात आई तो पार्टी का ये कहना कि हालांकि पार्टी ने अभी तक कुछ साफ तरीके से स्पष्ट नहीं किया है लेकिन अंदाजा यही लगाया जा रहा है क्योंकि 2022 में चुनाव है और उसको लेकर पार्टी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती जिसको लेकर नेगेटिव थिंकिंग लोगों के मन में जाए, गलत छवि लोगों के मन में जाए। इसलिए अजय भट्ट और अजय टमटा को जिम्मेदारी दी गई है कि बातचीत से मामले को हल किया जाए। हमारे साथ हमारे संवाददाता रतन नेगी जुड़ गए हैं, उनका रुख करूंगी। रतन, पार्टी ने कारण बताओ नोटिस तो जारी कर दिया लेकिन जब कार्रवाई करने की बात आई तो यहाँ पर विधायकों को जिम्मेदारी दे दी गई, दो विधायकों को जिम्मेदारी दे दी गई, ये कैसी कार्रवाई है? क्या कहे कि पार्टी के अनुशासन से ज्यादा चुनाव जरूरी हो गए, चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए, पार्टी संगठन के अनुशासन से कोई भी खिलवाड़ करता है कोई लेना देना नहीं है पार्टी का? आप जिले में आप प्रभारी मंत्री में जिले में भ्रमण करेंगे, एक लाख वहाँ पर अपना खा देंगे, वहाँ
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रतन तमाम जानकारी के लिए, लेकिन बिल्कुल यहाँ पर पार्टी की बहुत बड़ी लापरवाही है और कम से कम हमें ये लगता है कि अगर विधायक के ऊपर कोई कार्रवाई की गई होती तो ये मैसेज जरूर जाता लोगों में कि पार्टी के साथ और पार्टी के अनुशासन पर जो भी खिलवाड़ करता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई पार्टी अपनाती है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा करते हुए नजर पार्टी नहीं आ रही है, जिसको लेकर विपक्ष जरूर हमलावर होगा। हुआ है कि दो तीन दिन के भीतर हम पूरे प्रदेश कार्यकारिणी और मोर्चे इत्यादि की घोषणा कर देंगे। और 16 अक्टूबर को हमने जो समन्वय टीम बनाई है जिलों में, पांच पांच लोगों की है, सांसद और विधायक क्षेत्र के उसमें पदेन सदस्य हैं, उसकी एक वर्कशॉप देहरादून में रखी है, लगभग 100 लोगों की होगी। वो वर्कशॉप 11 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। उसमें उसके प्रकार से समन्वय टीम को काम करना है, कौन कौन से कामों को उन्हें देखना है, उस पर खुलकर चर्चा होगी, बातचीत होगी, ताकि अपने यहाँ के क्षेत्र में वो उस समन्वय टीम का अच्छा अच्छा दिखा सके। ये तय हुआ है कि अगली खबर की ओर रुख करेंगे। विकासनगर के सहेजपुरा थाना क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। शनिवार देर रात सहेजपुर इलाके में एक महिला से सामूहिक दुष्कर्म किया गया। हाथरस की घटना के बाद उठे उबाल के बाद इस घटना का पता चलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। इस सिलसिले में 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता के बयान के आधार पर कुछ संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है। फिलहाल बताया जा रहा है कि पूछताछ की जा रही है। देर रात मामले का पता चलते ही DIG अरुण मोहन जोशी सहेजपुर पहुंचे और उसके साथ साथ पीड़िता से खुद घटना के बारे में जानकारी दी। DIG ने बताया कि मामले की तहकीकात की जा रही है और महिला का मेडिकल करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और घटना के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, लेकिन पीड़ित परिवार अपने घर नहीं मिला, जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सहेजपुर थाने पहुंचकर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। मसूरी में उत्तराखंड हरीश रावत ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अजय शर्मा का मसूरी पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया और इस दौरान हरीश रावत ब्रिगेड की नई कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। अजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की बेशक कई विंग है, लेकिन सभी लोग कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर ठोस काम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर बूथ मजबूत है तो चुनाव बड़ी आसानी से जीता जाता है, लेकिन कार्यकर्ताओं से कांग्रेस की रीति और नीति को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान भी वो यहां करते हुए नजर आए। और इसके साथ साथ इस मौके पर उन्होंने त्रिवेंद्र रावत सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूरी मेहनत कर रहे हैं, जितने विंग हैं सब एक जुट है, एक छत के नीचे हैं, और 2022 में सपा कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस ही देश का विकास कर सकती है, ऐसा कोई पार्टी विकास नहीं कर सकती है। त्रिवेंद्र सरकार ने तो लूट के खा लिया है, प्रदेश का खा लिया है। हर जगह जो है कोरोना संक्रमण इतना फैला, इतने मरीज आ रहे हैं। आप सरकारी हॉस्पिटल में देखिए, वहाँ पर लोग पड़े हुए हैं, दून हॉस्पिटल में भी लोग पड़े हुए हैं, उनको चिकित्सा के नाम पे क्या दिया जा रहा है? एक ECG होता है, एक उनका जो है टेम्परेचर नाप लिया जाता है, और चार गोली दे दी जाती है, बस ये है और कुछ नहीं है। जिसकी इम्यून पावर अच्छी है वो बच गया, मतलब कोई इलाज नहीं है वो मर गया। हल्द्वानी के गोलापार इलाके से अनिराज बस अड्डे को शिफ्ट करने का मामला फूल पकड़ने लगा है। कांग्रेस ने इसे BJP की सोची समझी साजिश करार दिया है। गोलापार से लेकर लालकुआं तक के कांग्रेस जनप्रतिनिधियों ने ISBT के मुद्दे को लेकर हल्द्वानी बुद्ध पार्क में धरना दिया और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि वो राज्य सरकार के इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, क्योंकि ये कांग्रेस का ड्रीम प्रोजेक्ट भी था और हरीश रावत ने CM रहते हुए ISBT का शिलान्यास भी किया था।
लेकिन श्रेय लेने की होड़ में बीजेपी सरकार ने काम रुकवाया। अब आईएसबीटी किसी अन्य जगह शिफ्ट करने की बात कह दी। गोलापार में प्रस्तावित अंतर्राज्यीय बस अड्डा जो अभी वर्तमान में सरकार है उसके द्वारा दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया गया है, इसके विरोध में हमारे पूरी गोलापार क्षेत्र के सामान्य जनप्रतिनिधि और जनता और सारे हल्द्वानी कालाडूंगी लालू पर सभी जगह से आए हुए भाई लोगों ने हमें उनको समर्थन दे रखा है। हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से, जिस जगह पे भूमि पूजन हो चुका था 75 करोड़ की ये योजना थी, 2.5 करोड़ रुपये इसमें संकलीकरण और इसके कई कार्यों में लग चुका था, तो ऐसी क्या वजह थी ये सरकार ने जगह चेंज कर दी गोलापार में? टिहरी में डोबरा चांडी पुल पर आवागमन की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय और प्रतापनगर के पूर्व विधायक विक्रम सिंह नेगी के नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन किया गया। डोबरा पुल पर पहुंचे कांग्रेसियों ने गेट खोलने की मांग की, लेकिन जब तक पीडब्ल्यूडी ने गेट नहीं खोला तो उन्होंने गेट को तोड़ दिया। उसके बाद पुल के ऊपर रस्सी से गाड़ी भी खींची। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन एक ना सुनी गई। दरअसल अभी भी पुल पर लोड टेस्टिंग हो रही है, लेकिन कांग्रेसी इसके बिना ही आवागमन की मांग कर रहा है। डोबरा चाठी पुल तैयार हुए लगभग 3 महीने हो गए, 3 महीने हो। इसके ऊपर लगातार कंपनी के भारी वाहन आवागमन कर रहे हैं, और इस बीच में जिला प्रशासन और पुनर्वास ने प्रताप नगर जाने के लिए जितनी नाव लगी हुई थी वो सब बंद कर। कोरोना के संकट काल में प्रताप नगर में कई जगह वायरल फीवर फैला हुआ है, और लोगों को डॉक्टर के पास और इन सबको वहां से पैदल आना पड़ता है सिराई में नई टिहरी के। ऐसी परिस्थिति में जब पुल तैयार है और इनके वाहन आवागमन कर रहे हैं, हमारा जिला प्रशासन से राज्य सरकार से आप उद्घाटन करके आपका स्वागत है, लेकिन प्रताप नगर के लोगों की क्या खता है, क्या गुनाह है जिनके लिए ये पुल बन रहा है उनके लिए ये क्यों नहीं खोला जा रहा है? कम से कम आवश्यक सेवाएं, चाहे वो बीमार व्यक्ति को लेकर हो, चाहे वो आपके 108 सेवा को लेकर हो, चाहे वहाँ की छोटी गाड़ियों को लेकर हो, चाहे वह स्कूटर मोटरसाइकिल के, उनकी अनुमति तत्काल राज्य सरकार को देनी चाहिए। इस सब मांगों को लेकर आज हम डोबरा पुल में हमारा जो सत्याग्रह है उपवास है। पहले तो हम सरकार से निवेदन करेंगे कि ऐसा जुर्म ना करिए, हम आज को इसके ऊपर एक गाड़ी भी खींच कर ले जाए, और सरकार से कहेंगे कि हम 14 साल में 9 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और 14 साल से जनता परेशान है, अब इस पे जुर्म न करिए, जल्दी से जल्दी इसको खोल दीजिए। तो सरकार को भी हम 2-4 दिन का समय देंगे, और निश्चित तौर पे हमें उम्मीद है कि त्रिवेंद्र रावत जी प्रताप नगर के लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुनाएंगे और इसके ऊपर कम से कम तात्कालिक रूप से छोटे वाहनों का आवागमन शुरू कर। हरिद्वार में अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचे केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक का कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से स्वागत किया। मेला नियंत्रण भवन पहुंचे निशंक का स्वागत और कई कार्यक्रमों में करेंगे निशंक शिरकत। बताया जा रहा है कि अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे हैं निशंक, जहां वो कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। मेला नियंत्रण भवन पहुंचे हैं जहां पर उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से स्वागत किया, और बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिन निशंक अपने संसदीय क्षेत्र में रहेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं निशंक रमेश पोखरियाल जो पहुंचे हैं अपने संसदीय क्षेत्र। प्रदेश के कद्दावर कैबिनेट मंत्रियों में शुमार वन मंत्री हर सिंह रावत अपने विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार के प्रति संवेदनशील नहीं है। मंत्री के कोटद्वार के प्रति सुस्त रवैये के कारण लोक निर्माण विभाग दुगड्डा ने सड़क निर्माण का पूरा जिम्मा बीजेपी के ठेकेदारों के हाथ में छोड़ दिया। दरअसल मंत्री के सुस्त रवैये और पीडब्ल्यूडी के लचर कार्य प्रणाली के कारण रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी सड़क के
नाम पर मात्र खाना पूर्ति करती सरकार धन को ठिकाने लगाने का काम कर रही है, तो वहीं सड़क निर्माण के मानक विभाग और ठेकेदार भाग ही सीमित नहीं रह जा रहे, बल्कि मानकों का सड़क निर्माण से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। सड़क के घटिया निर्माण होने से स्थानीय लोगों में मंत्री और विभाग के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है और मंत्री और विभाग की अनदेखी के कारण मजबूरन ग्रामीणों को सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करानी पड़ रही है, जिससे मानकों के अनुरूप सड़क निर्माण हो सके। हम ये कह रहे हैं कि सड़कें जो बन रही हैं ये जनता का बेवकूफ बन रहा है, जनता का बेवकूफ बन रहा है। ये जो ये डिग्री करके आए कौन सी डिग्री करी है, जो ये डिग्री करी है उसको तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी देख सकता है कि कैसा बन रही है, कैसा बन रही है। इसमें कोई हमारा गियर बदलना नहीं है, पी डब्ल्यू डी काम करा रहे हैं, डब्ल्यू डी कर रही काम करने से पूरा समाज को पूरा समाज को नफरत है और सरकार का पैसा और सरकार का नाम सब बर्बाद हुआ है। बहुत ही घटिया क्वालिटी का जो सड़कें बन रही है यहाँ पर। कल मैंने जी आपको फोन किया था ममगन जी को और ममगन जी आए थे और उन्होंने यहाँ पे जो ठेकेदार का जो काम कर रहा था उसको भी कहा गया था कि भाई ये इतना बारिश है, ये जो 65 mm की जो है पहले लाइट में 65 mm की जो है इसमें तोड़ के डालो और इसको हटाओ, लेकिन हम ठेकेदार की इतनी हिम्मत है कि उसने नहीं हटाया और उसी के ऊपर रूलर चला दिया। काम चल रहा है ग्रामीण क्षेत्रों का मुआयना करते नजर आएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों की दशा सुधारने के लिए अधिकारी कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जिले के हर गांव का सर्वे कर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसके तहत ही साल 2021 और 22 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना को रिपोर्ट के आधार पर पूरी प्लानिंग के साथ धरातल पर उतारा जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में होने जा रहे ये सर्वे 2 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं और उसके साथ ही जो इस साल के दिसंबर तक चलेंगे। बताया जा रहा है कि इस पूरे दौर में सर्वे कर अधिकारी गांवों की समस्या के अनुरूप ही गांवों में विकास परक योजनाओं की रिपोर्ट तैयार करेंगे और साथ ही गांवों में आजीविका का सृजन कर ग्रामीणों को आजीविका बढ़ाने के लिए कृषि बागवानी और अन्य कार्यों को करने के लिए भी बेहतर प्रशिक्षण भी देंगे। ये ग्राम पंचायत विकास योजना के अंतर्गत कृषि योजना सरकार 2020 का कार्यक्रम के अंतर्गत एक कार्यशाला यहाँ पर आयोजित की गई है और इसमें जितने भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, हमारे जितने भी पी जी ओ हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया और प्लानिंग यह है कि 2000 हमारा जो नया ईयर प्रारंभ होगा 21-22 के लिए, 2 अक्टूबर से हमारी ग्राम पंचायत विकास योजना जो बननी है उसके संबंध में विस्तृत रूप से दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और ये बताया गया कि कन्वर्जेंस से काम करना है, सभी को साथ लेकर काम करना है और मिशन अंत्योदय में जो हमारे गैप हम लोगों ने फाइंड आउट किए थे उनके अनुसार भी काम करना है और इसका जो हमारा फोकस रहेगा वो लाइवलीहुड जनरेशन में भी रहेगा। ऐसी गतिविधियाँ प्लानिंग में रखी हैं जिसके द्वारा हम लोग आजीविका का सृजन और संवर्धन भी कर सकते हैं। हल्द्वानी में 25 सितंबर को हाई टेंशन तार गिरने से एक साइकिल सवार की मौत के बाद बिजली विभाग नहीं जागा, विभाग की लापरवाही फिर सामने आई है और बिजली लाइन की मरम्मत कार्य कर रहा ठेका कर्मी करंट लगने से पोल से नीचे गिरकर पूरी तरह जख्मी हो गया, जिसका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायल बिजली कर्मी ऊर्जा निगम में ठेकेदार के पद पर अधीन था, लाइन मरम्मत का काम करता है। आईएमए विलेज के अंतर्गत 10 हेक्टेयर भूमि का को लेकर क्लस्टर बनाकर उसमें हाइब्रिड गेहूं की बीज की खेती की जाएगी, जिसको लेकर किसानों का ग्राम पंचायत और कृषि विभाग की ओर से 1000 किलो गेहूं का बीज को निशुल्क बांटा गया है। इसके अंतर्गत आने वाली दवाइयां भी दी जाएंगी और बताया जा रहा है कि पैदावार बढ़ाई जा सके और किसानों को लाभ मिल सके, इसको लेकर ये काम किया जा रहा है। बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष राकेश रावत ने कहा कि 60 किसानों को 1000 किलो गेहूं का बीज निःशुल्क बांटे गए हैं, तो वहीं उनका कहना ये भी है कि गांवों को मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए गांव के ओपन थिएटर बनाने के लिए काम किया जा रहा है। माननीय विधायक जी और कृषि मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ जिनकी वजह से हमारा गांव आईएमए विलेज के अंतर्गत आया। इस
में हमने 10 हेक्टेयर भूमि का एकीकरण करके उसके अंतर्गत आने वाले 8 किसानों को हमने 1000 केजी गेहूँ का बीज और दवाइयाँ और खाद दी है। इसी क्लस्टर के अंदर हम 2 पानी के टैंक बनाएंगे जिससे किसानों को सिंचाई करने में सहायता मिलेगी और साथ में 25 ब्रह्मी कंपोस्ट जो खाद बनाएगा वो बनाएंगे। साथ में ये स्वरोजगार का एक और बढ़ावा एक कदम है कि हमारे क्षेत्र में जिन लोगों ने खेती छोड़ दी थी वो खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, इससे आय भी बढ़ेगी और साथ में किसान सशक्तिकरण भी बढ़ेगा। तो इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कृषि मंत्री जी का, विजय जी का, कि इससे आने वाले टाइम में हम इस क्लस्टर को बढ़ाएंगे, लगभग 20 हेक्टेयर करेंगे और एक समय ऐसा भी आएगा जब हम संपूर्ण गाँव को लेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 50,000 के पार हो गया है। पिछले 24 घंटे में 12 मरीजों ने दम तोड़ा है। 503 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं तो वहीं देहरादून में सबसे अधिक 142 कोरोना मरीज मिले। हरिद्वार में 99, टिहरी में 72, नैनीताल में 71, उत्तरकाशी में 34, उधमपुर सिंह नगर में 32 और पौड़ी में 16, बागेश्वर में 13 कोरोना मरीज मिले हैं। तो वहीं प्रदेश में मरने वालों की संख्या करीबन 648 हो गई है। ठीक हुए मरीजों की संख्या 41,000 हो गई। तो वहीं प्रदेश में 8,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। पिथौरागढ़ के गुलदार की दहशत से गांव में सनसनी मच गई है। छाना गांव में लगे पिंजरे में गुलदार को पकड़ लिया गया है। तो वहीं लोगों की परेशानी को देखते हुए वन विभाग ने गांव में पिंजरा लगाया था। गुलदार ने कुछ दिन पहले 2 लोगों को अपना शिकार बनाया था। फिलहाल वन विभाग ने गुलदार को अल्मोड़ा चिड़ियाघर भेज दिया है और इस दौरान वन विभाग खुद मीडिया से दूरी बनाता हुआ नजर आया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA अजीत डोभाल के पुत्र शौर्य डोभाल हल्द्वानी के संघ कार्यालय में संघ के परिचालकों से मिलने पहुंचे। शौर्य डोभाल उत्तराखंड की राजनीति में एक्टिव मोड पर देखे जा रहे हैं। हल्द्वानी के RSS जिला कार्यालय में उनका आना ये साफ करता है कि वो चुनावी मोड में पूरी तरीके से आ चुके हैं। हालांकि शौर्य डोभाल ने चुनाव लड़ने की अटकलों से इनकार करते हुए कहा कि ना ही अभी चुनाव है और ना ही वो चुनाव लड़ रहे हैं। हल्द्वानी संघ कार्यालय में शौर्य डोभाल प्रदेश की राजनीति में एक्टिव हुए हैं। हाथरस की घटना के बाद विपक्ष ने घेराबंदी तेज कर दी है। तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस ने केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर प्रदेश में सियासत तेज है। कांग्रेस की आगामी रणनीति के संबंध में प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्मना ने जानकारी देते हुए बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी और CM योगी के शह पर देश में जहां भी BJP की सरकारें हैं वहां पर दलितों के साथ अन्याय किया जा रहा है जिसका कांग्रेस विरोध करती है। दलितों और महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस को जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी चुकाई पड़ेगी। धस्मना ने बताया कि केंद्र नेतृत्व के निर्देश पर उत्तराखंड में भी 5 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन कर सोई हुई सरकार को जगाने का काम किया जाएगा। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं वहाँ गरीब लोगों में विशेष तौर पर दलित लोगों में जिस प्रकार के अत्याचार हो रहा है, जिस प्रकार का महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहा था, ये बहुत घृणित है। ऐसा कभी आजादी के बाद से लेकर अब तक नहीं हुआ। हाथरस में जो घटना हुई वो एक सामान्य घटना नहीं है। सामान्य इसलिए नहीं है कि पुलिस ने उसको पूरी दबाने की सरकार के इशारे पर रफा दफा करने की कोशिश करी और जब रफा दफा नहीं कर पाए जब वो एक्सपोज हो गया तो लोग पीड़ित परिवार से लोगों को मिलने नहीं दिया था। ऐसा पहली बार हुआ। 164 का बयान लड़की का हो गया और 164 के बयान और पुलिस का ID कह रहा हूँ और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।